नमस्कार दोस्तों, IIT पढ़ाई वाला YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एनालॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से एनालॉगस क्वांटिटीज और पैरामीटर्स रिलेटेड होते हैं, इस पे एक एनालॉजी का वीडियो पार्ट फर्स्ट IIT पढ़ाई वाला YouTube चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप इस वीडियो से पहले एनालॉजी पार्ट फर्स्ट वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और किस किस नेचर की एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है वो डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एनालॉजी गिवन होती है, एक कॉरस्पॉन्डेंस गिवन होती है, सेकंड कॉरस्पॉन्डेंस का एक फर्स्ट वर्ड गिवन होता है, सेकंड आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में इसी तरीके की जो है प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, तो इसको अपन कहेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर। आज के इस वीडियो में इस टाइप की प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं किस टाइप का जो है प्रॉब्लम्स इसमें रहता है। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जाइंट, फिर एक कॉलन दिया हुआ है ड्वार्फ, फिर डबल कॉलन दिया हुआ है और फिर जीनियस लिखा हुआ है, फिर कॉलन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि ये जो डबल कॉलन से पहले दो कॉलन देके दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। सिमिलर रिलेशन एक्चुअली आपको जीनियस और अनदर वर्ड होगा उसमें होने चाहिए। तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाता है तो फिर आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ होगा, उसका आंसर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना होता है। तो आपको इस तरीके से देखिए, जायंट और ड्वार्फ क्या है। ड्वार्फ इज बेसिकली द एंटोनिम ऑफ जायंट। तो आपका क्या होगा कि जीनियस का एक एंटोनिम आपको जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पुट करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे आंसर्स जो दे रखे हैं उसमें देखिए, पहले में दे रखा है वीट, बी दे रखा है जेंटल, सी दे रखा है इडियट एंड डी दे रखा है टीनी। तो देखिए, जायंट और आपका जो है ड्वार्फ एंटोनिम ऑफ ईच अदर है। सिमिलरली ये जो फोर वर्ड्स आपको गिवन है उसमें से जीनियस का एंटोनिम कौन सा है। जीनियस का एंटोनिम बेसिकली इडियट है, गिवन वर्ड्स में से ये रिफ्लेक्ट होता है, तो आपका आंसर सी होगा। तो इस तरीके से आपको जो है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको रिलेशंस फाइंड आउट करना है। देखिए, मैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, अनदर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर आपको रिलेशंस दे रखी है। न्यूज़पेपर लिखा हुआ है कॉलोन प्रेस, डबल कॉलोन क्लॉथ, कॉलोन क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। न्यूज़पेपर्स बेसिकली प्रिपेयर्ड इन द प्रेस है, प्रेस में न्यूज़पेपर छपते हैं, तो आपके क्लॉथ कहाँ पे बनते हैं। क्लॉथ नेचुरल सी बात है मिल में बनते हैं, तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपके लिए मिल रहेगा। मीन्स न्यूज़पेपर्स आर प्रिपेयर्ड इन ए प्रेस, सिमिलरली क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड इन मिल। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव में जो आंसर्स होगा वो आपको गिवन होगा, उसमें से आप जो है फोर ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट कर लें कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखा है एनीमिया कॉलोन ब्लड, डबल कॉलोन एनार्की कॉलोन क्वेश्चन मार्क। देखिए, एक्चुअली क्या है, एनीमिया एक डिजीज है दैट इज इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ लैक ऑफ ब्लड। मीन्स ब्लड की कमी से जो इम्पैक्ट आता है और स्टेट जो इंडिकेट करता है वो एनीमिया है।
अगर आपका जो है एनार्की जो है इज द स्टेट ऑफ लेक ऑफ गवर्नमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे जिस तरीके से एनीमिया इंडिकेट्स द लेक ऑफ ब्लड, सिमिलरली एनार्की इंडिकेट्स द लेक ऑफ गवर्नमेंट। तो आपके लिए इसका आंसर रहेगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है केटल कॉलोन हर्ड डबल कॉलोन सीप कॉलोन क्वेश्चन मार्क। देखिए दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। बेसिकली ये हर्ड क्या इंडिकेट करता है, हर्ड इज ए ग्रुप ऑफ केटल्स, मीन्स केटल्स का ग्रुप है उसको हर्ड कहते हैं, तो सीप के ग्रुप को क्या कहेंगे। सीप का ग्रुप जो होता है वो बेसिकली फ्लॉक कहलाता है। ये उसमें जो अपन ने डिस्कस किया है वीडियो वन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वहाँ पे डिटेलिंग करी हुई है किस किस टाइप के ग्रुप से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती है, मतलब डिफरेंट नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आ सकती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 25 टाइप्स डिस्कस किए हुए हैं जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो आप एनालॉजी पार्ट फर्स्ट का वीडियो ज़रूर देख लें और उसको उसके जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स और ग्रुप्स जो डिस्कस किए हैं उसको अच्छी तरीके से देखें। नेक्स्ट देखिए बॉटनी लिखा हुआ है, फिर कॉलोन लगा के प्लांट्स लिखे हुए हैं, फिर डबल कॉलोन लगा के एंटोमोलॉजी लिखा हुआ है, फिर कॉलोन लगा के क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। आपको क्या प्रॉब्लम सामने आते ही आपको थोड़ा इंडिकेटिव हो जाना चाहिए। व्हाट इज़ द बॉटनी, बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब एंटोमोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस होगा दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ समथिंग। वो समथिंग क्या है, वो आपके लिए इंसेक्ट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉटनी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स, सिमिलरली एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंसेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए एक्टिंग कॉलोन थिएटर डबल कॉलोन गैम्बलिंग क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने चाहिए। एक्टिंग इज एन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड एट थिएटर, मीन्स एक्टिंग इज परफॉर्म्ड एट थिएटर। सिमिलरली व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज परफॉर्म्ड, तो गैम्बलिंग इज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय द पीपल एट कैसिनो। कैसिनो इज द प्लेस वेयर पीपल्स गैम्बल। तो आपके लिए जो रिलेशंस है वो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है विजिलेंट कॉलोन अलर्ट वाइबल कॉलोन क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली अलर्ट इज द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। सिमिलरली व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फिजिबल। देयर मे बी ए मल्टीपल सिनोनिम्स अवेलेबल बट विच सिनोनिम इज अवेलेबल इन योर फोर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, दैट सिनोनिम यू हैव टू राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग जो सिनोनिम वर्ड है वो यहाँ पे फिजिबल है, क्योंकि फोर वर्ड्स जो दे रखे हैं उसमें फिजिबल वन ऑफ द सिनोनिम वर्ड है। नेक्स्ट देखिए मुंबई कॉलोन महाराष्ट्र डबल कॉलोन त्रिवेंद्रम कॉलोन क्वेश्चन मार्क। देखिए रिलेशन डेफिनेटली आपको पता लग ही गया, मुंबई इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सिमिलरली त्रिवेंद्रम इज द स्टेट कैपिटल ऑफ केरला। तो आपके लिए आंसर क्या रहेगा, केरला रहेगा।
नेक्स्ट देखिए, मेनू फूड डबल कॉलम कैटलॉग। देखिए मेन्यू बेसिकली लिस्ट द फूड आइटम्स इन ए रेस्टोरेंट, सिमिलरली कैटलॉग लिस्ट द बुक्स इन ए लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपके लिए क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा बुक्स। एग्जांपल देखिए, पल्प कॉलन पेपर डबल कॉलन हैम कॉलन क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन चाहिए, पल्प और पेपर में क्या रिलेशन है। पल्प इज बेसिकली रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेपर और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेपर। सिमिलरली हैम्प इज यूज्ड टू मेक रॉप। तो आपके लिए यहाँ क्या होगा, रॉप। रॉप का जो है रॉ मटेरियल है उसको हैम्प कहते हैं। तो हैम्प इज यूज्ड टू प्रिपेयर द रॉप। नेक्स्ट देखिए, और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कॉमोडोर नेवी ब्रिगेडियर कॉलोन क्वेश्चन मार्क। बेसिकली कॉमोडोर इज ए रैंक इन नेवी, सिमिलरली ब्रिगेडियर इज ए रैंक इन आर्मी। आपके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, आर्मी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, असम बिहू, सिमिलरली केरला क्वेश्चन मार्क दे रखा आपको। तो बेसिकली ये क्या है, बिहू इज द फोक डांस ऑफ असम। सिमिलरली व्हाट इज द फोक डांस ऑफ द केरला, फोक डांस ऑफ द केरला इज कुचिपुड़ी। तो आंसर विल बी कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर डायमंड डबल कॉलोन सर्कल कॉलोन। सॉल्यूशन देखिए आप, एक्चुअली स्क्वायर को स्ट्रेच करके डायमंड बन जाता है, तो सर्कल को स्ट्रेच करने से क्या बन जाता है, ओवल बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, रूबी रेड कॉमा सफायर कॉलम। इसमें देखिए एक्चुअली रूबी रेड कलर्ड होती है, सिमिलरली सफायर का कलर क्या होता है, वो ब्लू कलर होता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैन मशीन मास्टर ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली क्या है, मशीन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैन, सिमिलरली हु वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मास्टर। बेसिकली स्लेव वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मास्टर। सो योर आंसर विल बी स्लेव। नेक्स्ट देखिए, मेल्ट लिक्विड डबल कॉलोन फ्रीज। सॉल्यूशन देखिएगा, लिक्विड एक्चुअली क्या है,
इसका स्टेट जब चेंज होता है तो मेल्टिंग स्टेट में आता है, उसको मेल्ट कहते हैं। जब सॉलिड किसका स्टेट चेंज होके फ्रीजिंग स्टेट में आता है वो सॉलिड है। सॉलिड बेसिकली फ्रीजेस एंड लिक्विड बेसिकली मेल्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेफ सिक्योर प्रोटेक्ट सॉल्यूशन। देखिए सेफ आपका बेसिकली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेफ एंड सिक्योर, ये एक्चुअली पेयर ऑफ सिनोनिम वर्ड्स है। तो सिमिलरली गिवन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोटेक्ट और इसका जो है सिनोनिम वर्ड क्या होगा, मतलब अगर आपका जो इससे देखते हैं तो बेसिकली प्रोटेक्ट एंड गार्ड, ये आपके लिए जो है सिनोनिम वर्ड रहेगा। तो इसलिए आप रिक्वायर्ड आंसर जो रहेगा वो गार्ड है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस कॉलन लंग्स कैटेरेक्ट कॉलन। देखिए ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है जो लंग्स में होती है, कैटेरेक्ट एक डिजीज है जो आईज में होती है। तो आपके लिए आंसर रहेगा आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोरो डेथ हैप्पीनेस देखिए इसका सॉल्यूशन चेक करिए आप। सोरो एक फीलिंग्स है जो किसी की डेथ होती है तो आती है। सिमिलरली इसमें आपका कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन हैप्पीनेस किससे रिलेटेड है, बर्थ से रिलेटेड है। तो ये बर्थ पे जो फीलिंग आती है उसको हैप्पीनेस कहेंगे और डेथ पे जो फीलिंग आती है उसको सोरो कहेंगे। एग्जांपल देखिए, फिजिशियन जो है उसके आगे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, जज है उसके आगे लिखा हुआ है सॉल्यूशन। फिजिशियन बेसिकली ट्रीटमेंट देता है, अगर आप बीमार हो गए तो आपको ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। तो फिजिशियन डिलीवर्स द ट्रीटमेंट, सिमिलरली जज डिलीवर्स द जजमेंट। आपके पास जो आंसर रहेगा इसका वो जजमेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, कैलेंडर है उसका आगे डेट्स लिखा हुआ है और डिक्शनरी है उसके आगे ये लिखा हुआ आपको सॉल्यूशन। तो कैलेंडर और डेट्स में आपस में जो रिलेशन है वो मेरे हिसाब से डिक्शनरी का रिलेशन वर्ड्स से होगा। तो आपको फर्स्ट में क्या करना है कि फर्स्ट वाला से आइडेंटिफाई करना है आपको कॉरस्पॉन्डेंस, और नेक्स्ट वाला का जो है आपको बताना है अपनी तरफ से सोच के कि कौन सा वर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मोनोटोनी वैरायटी क्रूडनेस, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आपको पहले मोनोटोनी उसका जो वैरायटी में आपस में क्या रिलेशन है ये आइडेंटिफाई करो। मेरे हिसाब से बहुत आर एंटोनिम पेयर्स, तो सिमिलरली क्रूडनेस का एंटोनिम पेयर जो होगा वो आपके लिए यहाँ पे रिफाइनमेंट है। नेक्स्ट देखिए, आवर सेकेंड
टर्सरी कॉलोन आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें एक सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप काम करें। देखिए सेकंड है, उससे जो है मिनट्स बनेगी, मिनट्स से आवर्स बनेंगे, राइट। क्योंकि इसी तरीके से प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा और सेकेंडरी से टर्सरी बनेगा। तो बेसिकली आवर्स जो है आपका एक स्टेप बीच में छोड़ के पहले वाला स्टेप है। सिमिलरली टर्सरी का एक स्टेप छोड़ के पहले वाला स्टेप होगा प्राइमरी। तो आपके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, यहाँ प्राइमरी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम लास्ट में और डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक पेयर दे रखा है, साउथ डेस नॉर्थ वेस्ट डबल कोलम वेस्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सॉल्यूशन जो है इसको आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रिलेशन। उसके लिए मैं देखिए एक यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ अपने। क्या करते हैं देखिए, नॉर्थ साउथ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से बना लेता हूँ कि डोंट टेक इस स्टैंडर्ड इंडिकेशन। इसको मैं यूँ बनाता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये रिलेशंस मेरे हिसाब से ठीक होगा। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अब देखिए साउथ से वो कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट निकालो। नॉर्थ वेस्ट मैंने ये निकाला, साउथ से नॉर्थ वेस्ट आपको ये मिला, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये 135 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया और 45 डिग्री हो गया, ये होगा नॉर्थ वेस्ट। अब आपको दे रखा वेस्ट, तो वेस्ट के लिए जो है मुझे 135 इसी डायरेक्शन में, इसी आपके जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री पे मैं पहुँचूँगा तो मेरे पास ये वाला रिलेशन जाएगा। ये मेरे हिसाब से इस नॉर्थ ईस्ट आपके लिए आंसर होगा। तो आपका रिप्लाइड सॉल्यूशन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से कुछ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ आपको सबसिक्वेंट रिलेशंस भी फाइंड आउट करके वो आप जो है प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। चलिए एक प्रॉब्लम्स में और डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जांपल देखिए यहाँ पे दे रखा है स्टील कॉलोन रेल्स डबल कॉलोन एल निको। ये एक्चुअली क्या है, कुछ अपने जो है मिक्सचर कंपाउंड है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल जो है और डिस्कस कर लिया। बेसिकली ये यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज़ द रिलेशन, रेल्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टील्स, जो आपकी रेल की पटरियाँ बनी हुई होती है, दैट यूजेज द मटेरियल ऑफ स्टील। तो कौन सा जो है आपका ऐसा है जिसको एलनिको मटेरियल यूज करता है, ये बेसिकली मैग्नेट जो बनते हैं वो मैग्नेट एलनिको को करते हैं। सॉरी आंसर रहेगा मैग्नेट्स, मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द एलनिको, एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट का मिश्र धातु होता है, उससे मैग्नेट्स बनते हैं, जिस तरीके से रेल्स स्टील से बनते हैं। तो आप IITN पढ़ाई वाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम कंटिन्यूसली आपके लिए अपडेट्स लेके आ रहे हैं और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस भी लेके आते हैं, स्कूल कॉलेजेस के एडमिशन के नोटिफिकेशंस भी लेकर आते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एनालॉजी पार्ट फर्स्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और कंटिन्यूसली IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को जो है विजिट करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।